एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस नेगेटिव के भी पॉइंट्स कुछ बताए हुए थे, ठीक है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसको दोबारा से। और जितने भी चैनल पर न्यू व्यूवर्स हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक, कॉमेंट, शेयर करना भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। पॉइंट टू भी रिमेंबर में मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब और एसईएस का यूज़ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है? ये इसका रूल है। मतलब सब्जेक्ट की जो आपकी दो टेबल है, ही, शी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे के साथ हमको वर्ब के साथ में एस या ईएस का यूज़ करना होता है। अब कंडीशन क्या है एस और ईएस की, वो मैं आपको बता देती हूँ। अफर्मेटिव मतलब प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस, वही आपके नॉर्मल वाले जो सेंटेंस होते हैं उसी में एस सी एस का यूज़ होगा। नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ नहीं होगा, ठीक है? प्रेजेंट के सेंटेंस में सॉरी नहीं होगा इनका एस सी एस का यूज़। इनका यूज़ सिर्फ सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एस सी एस का यूज़ हम देखें तो यहाँ पे ही, शी, इट, नेम ब्रैकेट में लिखा है। इसका मतलब है कि इनके साथ में ही आपको ही, शी, इट, नेम के साथ में ही आपको एस और ई एस का भी यूज़ करना है। आई, यू, वी, दे अफर्मेटिव सेंटेंस में एस या ई एस में से कुछ भी नहीं लगेगा। ये आपके लिए बहुत ईजी रहेगा और बहुत हेल्पफुल भी रहेगा, बिकॉज एक ही टेबल में आपको इसको यूज़ करना है सब्जेक्ट का, बस फर्स्ट ग्रुप के साथ आपको एस सी एस का यूज़ करना है। आई, यू, वी, दे के साथ आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना है, एज इट इज़ रखना है इसको, ठीक है? मतलब सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, बस एज इट इज़। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। सो नेक्स्ट आपका पॉइंट है आपको याद करने का कि अफर्मेटिव नेगेटिव में डू डस का यूज़ होता है। थर्ड नंबर पर नॉट आता है, आपको पता ही है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कई बार आपको बताया है। और इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ का डज यूज़ करना है, और प्लूरल्स को नेगेटिव में बनाने के लिए आपको डू का, डू नॉट का यूज़ करना होगा। तो जैसे कि एस ही, शी, इट, नेम है, तो ही, शी, इट, नेम के साथ आपको एस ई एस लगाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और नेगेटिव में आपको लगाना है डू डज नॉट, ठीक है? इसी तरह जब आप सब्जेक्ट प्लूरल वाले क्रिएट करोगे सेंटेंस, तो आपको आई, यू, वी, दे के साथ में एस ई एस नहीं यूज़ करना है। ओनली एस सब्जेक्ट के साथ में आपको सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ओके? देन आपको नेगेटिव बनाना है तो डू नॉट का यूज़ करेंगे आप थर्ड नंबर पे, पर डू पहले आ जाएगा। तो सिंपली आपको ये चीज़ें करनी है, घर पे इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है? फ्रेशर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी उसको अच्छे से समझ लेंगे, देख लेंगे तो और ज़्यादा आपको हेल्पफुल हो जाएगा। और आई होप कि आप दोबारा से फिर खुद से क्रिएट करेंगे सेंटेंस, ओके? अभी हम आते हैं अपने सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल है, एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का यूज़ मैंने आपको बता ही दिया है। फॉर एग्जांपल, वह पढ़ती है, वह कौन है? वह पढ़ती है, इसे इंडिकेट कर रहा है कि गर्ल है, ठीक है? सिंगुलर है, तो रूल के अकॉर्डिंग हमें एस ई एस का सिर्फ सिंगुलर के साथ में यूज़ करना था। तो शी सब्जेक्ट हो गई हमारी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है रीड। इसमें एस क्यू लगा रहे हैं? बिकॉज जो लास्ट का लेटर आपको ये दिख रहा है डी, यह है कॉन्सोनेट। ये कॉन्सोनेट पे अगर वर्ब कंप्लीट होता है तो हमें एस का यूज़ करना है, ओके? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, शी रीड्स। इसी तरह अगर सब्जेक्ट का प्लूरल वाले टेबल में से आता है सेंटेंस कि मैं पढ़ता हूँ, तो मैं कौन है? आई। और आई इंग्लिश में कौन हो जाता है? प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है? तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपने क्या करना था, एस ई एस को यूज़ नहीं करना था, सिंपल सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी थी। तो सब्जेक्ट में हमारा हो गया आई, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको हटाया हुआ है, क्रॉस कर रखा है कि इसमें एस यूज़ होगा सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ में, लेकिन प्लूरल के टेबल में इसको यूज़ हमें नहीं करना है। सेम चीज़ आपको नेगेटिव वाले में थर्ड नंबर पर डज नॉट और डू नॉट मैंने आपको यूज़ बताया था, नॉट ही लगेगा। सिर्फ नेगेटिव शो करने के लिए आपको क्या करना है, आप ई एस यहाँ से हट जाएगा नेगेटिव में, सिंपल आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है। सब्जेक्ट डू डज दिख रहा है आपको, उसके बाद थर्ड नंबर पर नॉट। अब डज कहाँ लगाना है, तो शी दिख रहा है आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही, शी, इट, नेम के साथ आपको डज नॉट यूज़ करना है नेगेटिव वाले में, और आई, यू, वी, दे के साथ आपको डू का, डू नॉट का यूज़ करना है प्लूरल सब्जेक्ट्स में, ओके? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रही है, मैं ज़्यादा स्पीडली बोल रही हूँ, तो आप इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको घर पे और अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, ओके? थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एस ई एस का, जैसे हमारे दो तीन वीडियोस में वही टॉपिक चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस ई एस का यूज़, डू डस का, नॉट का यूज़, तो अभी हमारा जो टॉपिक है उसी टॉपिक पे हम और एग्जांपल्स देखने वाले हैं कि यहाँ पे ई एस कब लगना है। तो ई एस कब लगेगा देख लीजिए आप, जैसे वह जाता है तो ही गॉज, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ ई एस आएगा सिंगुलर में, तो उसी रूल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे गॉज लिखा है, ठीक है? ई एस कब आया,
इस ब्रैकेट में देखिए आप जरा, इस सर्कल में देखिए, ओ होगा लास्ट में, अगर वर्ब के लास्ट में ये लेटर्स होंगे जो यहाँ पे मेंशन करे हुए, तब आपने उस सिचुएशन में ई एस का यूज़ करना है सिंपल इनडेफिनिट के साथ में, वो भी सब्जेक्ट कौन सा रहना चाहिए आपका, सिंगुलर का। अब ही कौन है, सिंगुलर है, और ओ लास्ट लेटर इसमें आपको दिख रहा है वर्ब में, ठीक है, ये वर्ब की लास्ट लेटर है ओ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ई एस यूज़ किया, तो ये बना गॉज, गो का बन गया गॉज, ठीक है। प्लूरल में तो आपने कुछ यूज़ ही नहीं करना है इसमें से, बिकॉज सेम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, एस ई एस का यूज़ है ही नहीं बिकॉज वहाँ पे। इसी तरह वह खेलता है, वह भी कौन है, सिंगुलर है, ठीक है। तो ही प्ले, प्ले खेलना हो गया, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता ती ते वाले सेंटेंस में आपने इसी वर्ब के साथ एस ई एस का यूज़ करना है। अब यहाँ पे ई एस क्यों नहीं है, बिकॉज जो लास्ट लेटर है यहाँ पे वाई है, और वाई हमारा कॉन्सनेंट है, तो जब कॉन्सनेंट लेटर पे एंड होता है तो हमें ज़्यादातर सिचुएशंस में एस का यूज़ करना होता है, ठीक है। आगे आगे मैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मैं आपको बताती चलूँगी कब वाई ई एस और कब एस का यूज़ करना है। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी, और वही चीज़ें जो पिछले मैंने आपको वीडियोज़ में मैंशन करके भी समझाया था अच्छे से, ये वाली वीडियो आपको याद होगा, मैंने इस वीडियो में भी लास्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करी थी, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसी एक ही चीज़ को मैंने अलग अलग मतलब सेंटेंस के बिहाव पर बनाया था, और वही टॉपिक वापस से इतना बड़ा बन चुका है वीडियो, तो मैं सोच रही हूँ अब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपना नेक्स्ट टॉपिक पर बनाऊँ। तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ गई है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो पहले तो आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, और जो मेरी ये वीडियो है बार बार बहुत ज़्यादा मूव करती है, बिकॉज मैं सेल्फ रिकॉर्ड करती हूँ, सेल्फ स्पीक करती हूँ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट इट। सो लेट्स सी कैसे जाता है नेक्स्ट वीडियो, और अब नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आपको लगता है कि मुझे और वीडियोज़ इससे रिलेटेड डालनी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा पिछली वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपकी जो स्पीकिंग का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़े, और साथ ही साथ मेरे को थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिले कि हाँ मुझे वीडियोस इसके इसी टॉपिक पर डालनी चाहिए, कंटिन्यू करनी चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।